मेरा भी नाम एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे एमएनएस न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। भंडारा में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि किसानों पर अन्याय नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार किसानों की चिंता दूर करने वाली सरकार है। कर्ज माफी के बारे में मुख्यमंत्री सकारात्मक है। जिन किसानों ने फसल बीमा निकाला है उनके बैंक खातों में प्रति हेक्टेयर 9062 रुपए जमा किए गए हैं। इस राशि से कर्ज की धनराशि बैंक काटे, ऐसे आदेश बैंकों को दिए गए हैं। इस क्षेत्र के किसानों की समस्याएं स्थायी तौर पर हल हो इसलिए गोसे का पानी किसानों को दिया जाएगा। किसानों के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है, किसानों पर अब अन्याय नहीं होगा। वहीं लखनदूर में कृषि उत्पन्न बाजार समिति लखनदूर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर वे उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। नाना पटोले के हाथों से भंडारा जिले के किसानों की खरीफ 2019 फसल बीमा धनराशि के कुछ लाभार्थियों को प्रतिनिधि स्वरूप में बीमा राशि वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार किसानों के हितों के प्रति बहुत आग्रही है। इस सरकार के पूरे शासनकाल में किसी भी किसानों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वही नाना पटोले ने कहा कि 1,61,343 कराया है बीमा। भंडारा जिले के धान उत्पादन किसानों ने फसल बीमा कराया है। 5,43,00,000 रुपए जमा किए गए हैं। अब इन किसानों को नुकसान भरपाई के रूप में 66,86,00,000 रुपए उनके खाते में जमा कराए गए हैं। वही दूसरी खबर सामने आ रही है, भंडारा में सांसद सुनील मेंढे को ज्ञापन सौंपा गया। चीन में भारत पर आक्रमण करके हजारों किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण किया। 14 नवंबर 1962 में भारत की संसद की ओर से संयुक्त संकल्प किया गया। अब तक इस संकल्प को पूर्ण रूप नहीं दिया गया है। इस मुद्दों को लेकर भारत तिब्बत संयोग मंच भंडारा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी ने भंडारा जिला के सांसद सुनील मेंढे को ज्ञापन सौंपा गया है। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, वागाए को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता नारायण वागाए को योग विशेषज्ञ विठल जीपकाटे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।